मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुरक्षित हैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। आज हम मोनोकॉट एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसा है, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकॉट एम्ब्रियो। ये मोनोकॉट एम्ब्रियो कहां होता है भैया? ज्वार, बाजरा, मक्का, वीट, गेहूं। डाइकॉट एम्ब्रियो वो चना वटाना शेंगदाना कुंती मटकी चवली, ये जो हमारे पलसे से दाल दाल, वो डाइकॉट में आते हैं। ये मोनोकॉट की बात कर रहा हूं। आप जो फैबेसी फैमिली वो डाइकॉट फैमिली है, मैं मोनोकॉट की बात कर रहा हूं। मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसा है, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट हमने कल देखा, जो डाइकॉट फैमिलीज है वो चना वटाना शेंगदाना वगैरह, वो फैबेसी फैमिली में द फैमिली और वरण पर्पज एंड पूरण पर्पज वो जो होती है वो फैबेसी फैमिली है। आज हम देख रहे चपाती फैमिली, रोटी फैमिली, भाकरी फैमिली, चावल फैमिली, ये जो मोनोकॉट फैमिलीज है वो कैसी है। दोस्तों, मोनोकॉट के सीड्स जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसका मतलब होता है कि एंडोस्पर्म मैच्योरिटी ऑफ सीड तक टिकता है। अगर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो या सीड मैच्योरिटी के पहले ही खत्म होता है तो उस सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा वाला सीड? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मैं आज बात कर रहा जनरली एंडोस्पर्मिक सीड की। ऑन एन एवरेज ज्यादातर मोनोकॉट्स एंडोस्पर्मिक है। हमारी जो पोएसी फैमिली है, घास की फैमिली है, वो पूरी एंडोस्पर्मिक फैमिली है। ग्रैमिनी फैमिली, जो अनाज हम खाते हैं, वो पूरी एंडोस्पर्मिक फैमिली है। एंडोस्पर्म टिकता है, बचता है मैच्योरिटी तक। दोस्तों, ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता कैसा है, मोनोकॉट का सीड अगर आप पढ़ेंगे तो मोनोकॉट का एम्ब्रियो समझ में आएगा। हाउ इज दिस मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट सीड, आप ध्यान से देखना है यहाँ पे कि यहां पर भी जो एम्ब्रियो है उसके तीन हिस्से पड़ते हैं। एम्ब्रियो के तीन हिस्से पड़ते हैं, कौन से वाले? इट इज प्लूमूल, रेडिकल एंड कॉटिलेडॉन। प्लूमूल प्लस रेडिकल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो एक्सिस। इस एम्ब्रियो एक्सिस के एक तरफ जो है ना वो कॉटिलेडॉन है, सिंगल कॉटिलेडॉन ऑफ द ग्रासेस एंड ग्रैमिनी फैमिली का, जो एक सिंगल, क्योंकि मोनोकॉट है, मोनोकॉट माने एक कॉट माने कॉटिलेडॉन, एक कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड एज क्यूटेलम। और सिंगल कॉटिलेडॉन ऑफ द यू सी ग्रास सीड या वीट सीड या जवार सीड या मक्का सीड इज कॉल्ड एज क्यूटेलम। एक कॉटिलेडॉन क्यूटेलम बोलते हैं। एम्ब्रियो एक्सिस के वो एक तरफ हट जाता है, इट इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस। एक सिंगल कॉटिलेडॉन है, उसका नाम स्क्यूटेलम है। अब हम क्या करेंगे कि एक सीड का स्ट्रक्चर निकालेंगे, खासतौर पे लेट अस ड्रॉ द सीड ऑफ अ मेज। एक मेज का हम बीज निकाल करके, मेज एक मोनोकॉट है, मक्का, उसके अंदर इस एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स को हम जांच करेंगे। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। मान लो दिस इज द मेज ग्रेन। इन प्लांट्स इज खासतौर पे जो मोनोकॉट के पोएसी फैमिली या ग्रैमिनी फैमिली है, इसकी एक स्पेशलिटी है दोस्तों। वो स्पेशलिटी ऐसी है कि इनका जो भी हम ग्रेन देखते हैं ना, वही फल होता है और वही बीज होता है। फ्रूट एंड सीड इज वेरी सेम। ये जो इनके ऊपर सबसे बाहर का ये जो कवच नजर आ रहा, कुछ लोग इसको सीड कोट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको सही बॉटनिकल मायने से अगर बोलना है तो यू मे कॉल इट एज हल। दिस इज हल। व्हाट इज हल? हल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरिकार्प प्लस सीड कोट। सीड कोट और पेरिकार्प का कॉम्बिनेशन इज हल। हल अगर है तो फ्रूट कैटेगरी जो बनती है, फ्रूट जो बनता है वो कैरिओप्सिस फ्रूट होता है। कैरिओप्सिस फ्रूट उसको बोलते जिसमें देर इज इन डिविजिबल कॉन्टैक्ट, ऐसा संपर्क जिसको हम अलग नहीं कर सकते। किसका किसका संपर्क? पेरिकार्प का, माने फलाचा आवरण, फ्रूट पेरिकार्प, फ्रूट कवर एंड सीड कवर। फ्रूट कवर और सीड कवर यहां एक बन चुके हैं, इस कॉम्बिनेशन का नाम है हल। अगर हल है तो फ्रूट हुआ कैरियोप्सिस। किसको बोलते कैरियोप्सिस? जिसमें पेरिकार्प और सीड कोट एक बन चुके हैं, उसको हल बोलते हैं। अब आ जाओ अंदर। अंदर जो है वो आपको दो यूसी बड़े बड़े टिश्यूज मिलेंगे। एक होगा ये वाला एंडोस्पर्म और एक होगा इधर वाला एम्ब्रियो। पहले
हम इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहेंगे कि इसके अंदर से एक इंटरनल कोटिंग है, यू कैन कॉल इट एज ये जो ये प्रोटीनेसियस, दिस इज ये एंडोस्पर्म है. व्हाट इज दिस कॉल्ड? ये एंडोस्पर्म और ये वाला एम्ब्रियो. ये एपिथेलियल टिश्यू है तो इसी के अंदर से फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म कम्स टू एम्ब्रियो. इधर से फूड इधर आता है. ये क्या है? हल है. व्हाट इज दिस कॉल्ड? हल है. अब ये एम्ब्रियो है, ये कौन है? एंडोस्पर्म. और इसीलिए इन बीजों को हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं क्योंकि ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के मैच्योरिटी तक टिकता है. बरोबर. अब व्हाट इज दिस कॉल्ड एज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो के मैंने पहले बताया आपको तीन हिस्से पड़ते हैं, फुलमूल, रेडिकल और कॉटिलेडॉन. कॉटिलेडॉन कितने हैं दादा? एक है. सिंगल कॉटिलेडॉन को क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम. क्या बोलते हैं इसको? स्क्यूटेलम. अब देखो हम ये एक एक से देखेंगे, वेर इज द प्लूमूल, वेर इज द रेडिकल एंड वेर इज द स्क्यूटेलम. तो मैं अभी जो निकाल रहा वो है प्लूमूल. ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड एज प्लूमूल. ये प्लूमूल है और ये जो मैंने निकाला है ये रेडिकल. इस प्लूमूल को और एक कवच है, इस कवच का नाम है कोलियोप्टाइल, ये वाली. और रेडिकल को भी एक कवच आप देख सकते हैं और ये जो कवच है रेडिकल का, दिस इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा. दिस इज द कोलियोराइजा, ये वाला कोलियोराइजा नाम का कवच है टू द रेडिकल. अब एक बार देखो, ये कौन है? ये प्लूमूल है. दिस इज प्लूमूल. प्लूमूल से शूट बनता है और रेडिकल से रूट बनता है. ये रेडिकल है, दिस इज रेडिकल. व्हाट इज दिस कॉल्ड? रेडिकल. व्हाट इज दिस कॉल्ड? प्लूमूल. प्लूमूल का कवच ये वाला इस कोलियोप्टाइल, 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 कोलियोप्टाइल इज द कवरिंग ऑफ प्लूमूल व्हाइल दिस इज द कोलियोराइजा. ध्यान से देखो, ये वाला है कोलियोराइजा जो रेडिकल का कवरिंग है, रेडिकल का प्रोटेक्टिव शीट है. दिस इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा. कोलियोराइजा इज द कवरिंग ऑफ रेडिकल. दिस इज द रेडिकल. ओके, ये रेडिकल है, रेडिकल का कवरिंग कोलियोराइजा. ये प्लूमूल, प्लूमूल का कवरिंग कोलियोप्टाइल. प्लूमूल और रेडिकल, ये हुआ एम्ब्रियो एक्सिस. और इस एम्ब्रियो एक्सिस के एक तरफ आपको मिलता है ये वाला स्क्यूटेलम. वन सिंगल कोटिलेडॉन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम. व्हाट इज दिस कॉल्ड? स्क्यूटेलम. ये रहा स्क्यूटेलम. ये प्लूमूल, प्लूमूल का कवर इज द कोलियोप्टाइल. ये रेडिकल, रेडिकल का कवर इज कोलियोराइजा. कोलियोप्टाइल शूट टिप को कवर करता है और रेडिकल रूट को कवर करता है. और ये रहा स्क्यूटेलम, एक सिंगल कोटिलेडॉन ऑफ दिस सीट एम्ब्रियो का जो रेडिकल है. रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनता है. प्लूमूल से क्या बनता है? शूट बनता है. इसलिए इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक शूट. इससे बनता है शूट. शूट माने स्टेम, लीफ वगैरह, ऊपर का हिस्सा, जमीन का, जमीन के ऊपर का हिस्सा प्लांट का, इसको बोलते हैं शूट. एंड दिस इज द यू सी एम्ब्रियो स्ट्रक्चर. दिस इज एंडोस्पर्म. व्हाट इज दिस कॉल्ड? एंडोस्पर्म. दिस इज एपिथेलियल लेयर. दिस इज एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, फूड इधर से इधर आता. याद रखना, ये जब तक इसको खाना खिलाएगा ये जिंदा रहेगा. और जब ये फूड लेता है तो रेस्पायरेशन भी करता है, लेकिन जब जर्मिनेशन का समय आता है तो इसका स्पीड बढ़ जाता है रेस्पायरेशन का. और इसीलिए जर्मिनेशन के समय ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द सीड इंक्रीज होता है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो व्हाट इज दिस? ये वाला हल है. व्हाट इज दिस कॉल्ड? हल. हल बोले तो पेरिकार्प प्लस सीरकोट. पेरिकार्प प्लस सीरकोट इज कॉल्ड एज हल. व्हाट इज दैट कॉल्ड? हल. दिस इज द ओवरऑल मोनोकॉट सीड. ये कौन है दादा? मोनोकॉट सीड. दिस इज अबाउट द मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट सीड. जय हिंद.